हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है जी, सुबह तो वीडियो स्टार्ट हो चुके हैं। मैं कपड़े के जिहड़े कवर उतार रही हूँ, अज ही वॉश होणगे। काफ़ी टाइम हो गया वॉश नहीं हुई, तो इसे कवर के नाल पहला बैड नूं साफ कर लूँगी। तो जिहड़ी बैडशीट है, बैडशीट भी अज चेंज हो गई। तो कलेर साहब क्योंकि खाना बैड पर बैठ के खाते हैं, इन्हों तो उपर सब्जी वगैरह डुल गई सी, तां करके बैडशीट चेंज हो। फिर मैं सोचा कवर ने जिहड़े कवर भी मैं चेंज वॉश कर ही दूँगी। तो पहला जिहड़े पिल्लो ते कुशन कवर ने मैं उही रखते सी, फिर बाद च मैं सोचा ना मतलब लगदे हत्थे भी वॉश हो ही जाणगे। पहला मैनू ऐसे मैच कर दे चल जाणगे, पर ये ज़्यादा मिले नहीं सीगे। फिर मैं सोचा बदल ही दिंदी हां, फिर ये भी बदल चुके आपां नाल दे जिहड़े ओह पिल्लो दे कुशन कवर ने जिहड़े आपां ने बदलते। तो जिहड़े कपड़े ने आपां इहनूं मशीन दे विच पाता है वॉश होणगे, तो उधर आपां झाड़ू जिहड़ा झाड़ू ला लूँगी। तो इधरली भी साफ सफाई होगी अज्ज, कल घाह की कटाई है जी हो चुकी है, तो अज आप साफ सफाई करा, देखते हैं कि साफ सफाई होंगे मेरे तो, क्योंकि काफ़ी कम ने फिर मेरी कली मतलब मैं कली नहीं करने ने। तो फिर पूरा दिन जो मैं थक जाती हूँ, सारा दिन कमां च लंघ जाता गा। तो कल का तो मेरे सिर च पेन भी हो रहा है, मतलब मैंने सर्वाइकल करके। तो झाड़ू है जोड़ा झाड़ू शुरू हो चुका, पोचा शायद ही लगे अज क्योंकि इन्ना ज़्यादा गंदा नहीं है, कपड़े भी तह लाने, कई दिन के कपड़े कट्ठे हुए पे ने। हेलो जी, सत श्री अकाल जी, क्लेयर फैमिली ब्लॉग में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। किवें जी, ठीक हो जी? उम्मीद है जी सारे ठीक होवोंगे, खुश होवोंगे, खुशहाल होवोंगे। वीडियो आपां सुबह तो स्टार्ट करता, तो आपां झाड़ू हो लग चुके, सारे डस्टिंग रहिंदी है हजे, पोचा शायद ही लावां अज क्योंकि कल तो मेरे दर्द का बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, मतलब सिर दी नाड़ा भी टस टस करदे ने, तो अज शायद पोचा ना लगे। तो चलदे आपां किचन च, रोटी बना चुके हैं, थोड़ी जी सब्जी बनानी है, बाकी कपड़े पाए हुए वो वॉश करने ने, हजे कणक कढ़नी, काफ़ी कम ने। चलो चलते हैं किचन च, आपां व्लॉग नूं करदे स्टार्ट, कंटिन्यू। लो जी, मैं आ चुकी हूँ किचन च, खाना मतलब रोटी है जी वो बन चुकी है, मैं पहले ही बनाती सी। जिवें तुहानूं पहला भी दस्सिया सी, बाबा जी आउंदे ने प्रशादा बनदा, फिर तां करके मैं बना लैंदी हां। थोड़े जिहा टाइम दा ही फर्क हुंदा, अद्धे घंटे का। तो चलो जी, सब्जी बनूगी मिर्च ते प्याज, ते जदों होर कोई सब्जी ना होवे थोड़ी जी ईजी भी है, जल्दी बन जाती है, तो बाकी वधिया भी लगती है। तो तेल है जिहड़ा गर्म हो चुक्या, प्याज ते हरी मिर्च आपां इहदे विच मिक्स करके थोड़ा नमक पा के सेक लवा लाँगे आपां। तो उस तों बाद फिर थोड़ा टाइम सेक लगन तो बाद हल्दी ते थोड़ी जी लाल मिर्च पाती, तो सब्जी जिहड़ी बन के तैयार होगी अपनी। ज़्यादा टाइम लगता, थोड़ा टाइम लगता जदों मतलब सब्जी ना हो, झटपट बनने वाली है जिहड़ी ये सब्जी। तो उस तों बाद इधर जिहड़ी दही है, दही नूं फेंट लैंदे हां, सनी दा जिहड़ा लंच है, लंच आपां पैक कर दिंदे हां। तो दही सब्जी के नाल ही मैं परौंठे बनाते सीगे, मतलब रोटियां उपर ही घी लाता सी। तो चलो जी, लंच पैक करके उस तो बाद फिर अपना खाना जिहड़ा वह खाऊंगी, क्योंकि फिर मैनू कम च टाइम नहीं मिलता, फिर मैं भुल जाती हैगी, मतलब कम च लालच हो जाता है ना भी आह कर ला, पहला कर ला, फिर खाऊँ, खाना ठंडा हो जाता। तो चलो जी, खाना खाने बैठ के अंदर। खाना खाण तो बाद मैं आ चुकी हूँ फिर बाहर, जी कणक ना रात को अंदर रखती सी बरांडे च, मतलब जी इधर सैड पाया हुआ है, तो आपां बाहर कढ के हुण थोड़ी धुप आ गई, बाहर सुक जूगी, आपां नूं खा मतलब मंजे ते उहो कर दिंदे आ, कट्ठी करती सी मंजे ते भी मैं, फिर उपर ना उह मतलब चादर उही चादर उपर करती सी, मैनूं ऐसे भी कोई जानवर होर ना कर दे। तो चलो जी, आपां जिहड़ी कणकां सुकणी पा के अपना काम आ जिहड़ा अंदर अंदर दे जिहड़े काम ने सारे हो चुके ने, ते हुण आपां बाहर चलदे आ बेड़े च। अंदर मोटा मोटा पोचा लाया, डस्टिंग झाड़ू वगैरह सारा हो चुका, किचन का सारा काम कंप्लीट हो चुका। हुण आपां बाहर चलदे आ, घाह कट्टिया सी उधर लिया जिहड़ा आपां बेड़े नूं झाड़ू लाउणे आ, ते गमले वगैरह सैट करके रखूंगी। देखदे आ, लाइट चली गई, कपड़े अद्धे वॉश हो गए, अद्धे रह गए, ते देखदे आ जे तां लाइट आ गई तां उहनां नूं ड्रायर करके पाऊंगी, नहीं फिर इस तरह ही सुकणे पाउणे पैणगे। चलो जी, आपां चलदे आ बाहर, बाहर चल के आपां पहलां प्याज ने प्याज समारदे आ, उस तों बाद फिर झाड़ू झूड़ू लाऊंगी बाहर। लो जी, कपड़िया की कुर्सी पूरी भरी हुई है, एक बार मैं सूँ दिखा दिनी हाँ, पूरी कुर्सी जी कपड़िया की भरी पी, भी तह लाने ने। बाकी रूम की साफ सफाई सारे रूम दी होगी, जिन्हें भी रूम ने, मतलब टोटल चार रूम ने, इधर ले साफ सफाई होगी। तो लो जी, ये अपना पेटियां वाला रूम आ, तो ये अपना थोड़ी जी साफ सफाई करवानी, मतलब पेंट वगैरह करवाना, उंझ तो साफ रहिंदा, तो पेंट वगैरह करावे दिवाली में देखांगे। तो ये वाला रूम भी साफ आ, पोचा अज मैं लाया नहीं है, मतलब मोटा मोटा जी वड्डे वाले रूम से थोड़ा जहा बरांडे एक एवं निचोड़ के मोटा मोटा जी लाया, तो होर कि पोचा नहीं लाया, किचन च लगे साफ पोचा, मतलब उधर मैं साफ डेली लाइनी हूँ, कदम भी वह नहीं करती। तो एक रूम अपना यह है,
ਇਹ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਘੋਲੂ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਦਿਆਂਗੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਧਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਏ ਸੀ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਕੂਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਮਾਰ ਲੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਡੇਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਵਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਿਆਜ਼ ਸਵਾਰਨ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰੇ ਗਏ ਟੋਕਰ, ਆਪਾਂ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣੇ। ਲਾਈਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਝੜ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂ ਕੰਮ। ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਘਾਹ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਧੁੱਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਵੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਡਿੱਗੂੰਗੀ, ਸਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਜੇ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਮ ਲਊਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹਾ ਲਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਾਹ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ ਕੁਛ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਪੇ ਮਤਲਬ ਦਰਖਤ ਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਟਾਈ ਕਰਤੀ ਦੀ, ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਟਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਦਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਡਰਾਈ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰੇ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਮਲੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੰਧ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਮਲੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ। ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੇ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਦੇਊਂਗੀ ਮੈਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਨਿੰਮ ਕਰਕੇ ਛਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ, ਇਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪਾਣੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਮਲੇ ਨੇ ਗਮਲੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਕਟਾਈ ਸ਼ਟਾਈ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਆ ਇਹ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਾ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਾਰੇ ਫਾਊਂਟੇਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਕਟਾਈ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲੱਗ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਹਜੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਫ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਸ ਇੱਕ ਐਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਤੇ। ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ, ਹਜੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਣਕ 'ਚ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜੂ ਪੀਣਾ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਤਲਬ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ। 2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ ਨੇ, ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹਾਂ,
फिर चाह बनाऊंगी, देखते कुछ खा लेंगे चाह नाल, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं, आराम कर लें तो मैं थक गई अज्जा, सुबह ही लगी हुई है, 2 बजे जाके कम खत्म हुए ने, फिर जाके नहाती हूँ मैं सवेर तो लगे शाम तक कम, थोड़ा जहा घा कट्टन करके कम बढ़ गया अच्छा। लो जी साढ़े हिस्से का टाइम हो चुके, मैं चुकी हूँ किचन च, ठीक है, सब्जी की तैयारी करूँगी, मेहमान आए हुए ने चाह रखी हुई है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा खड़े नहीं अंदर रसोई च, तो चलो चाह दिखाने सुनो मैं अच्छी सब्जी का बनाऊंगी, इधर चाह रखी हुई है तो इधर आप पकौड़ियाँ बट्टांगे सब्जी लई, तो ये आप थोड़े मसाले ऐड कर लें, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा जहा नमक, नाल ही आप पावे थोड़ा जहा गर्म मसाला, ज़्यादा नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा ही पावे, कढ़ने वाला मसाला भी खत्म हो गया, इस तो बाद बस मिक्स कर देंगे, कसूरी मेथी है नहीं मेरे को, नहीं आप कसूरी मेथी पा लेंगे, तो आप गुन लें थोड़ा जहा पानी पा के, इधर चाह भी उबल रही है, इधर आप आटा गुन के रख दें, फिर लहसुन प्याज छिल के पकौड़ियाँ बट के नाल सब्जी बना ला, ये सब्जी प्याज के पकौड़ियाँ गंढे पकौड़ियाँ कहने से, एक हाथ नाल मैं कैमरा फड़िया हुआ, एक हाथ नाल ही आटा गुन्नी, तो इधर चाह भी उबलनी शुरू हो गई, गैस आप सिम ते कर दें, लो जी आप गुन लिया आटा, काफ़ी बन जाएंगे इन पकौड़ियाँ इन्ने काटे दियाँ, लो जी आप उधर चाह बनी जाती है, मैं दोबारा चाह रखी है, पहला पता नहीं की हो गया, क्रीम सी जी दुध वाली वो बिच पाती मैं, तो चाह सी जी फट गई, तो दोबारा तो चाह रखी होना, तो चलो कोई नहीं जी उधर चाह बनते उन्ने टाइम से जी पकौड़ियाँ ने पकौड़ियाँ वट लेने, बस ईजी ने पकौड़ियाँ वटनिया है बिल्कुल भी, तो आप थोड़े जहा हथ ना इस तरह वो करके, तो आप कट के फिर थोड़ी देर रख देंगे, क्योंकि मैं लहसुन प्याज कटूँगी बाहर बैठ के, एक मतलब किचन के बाल ही ज़्यादा गर्मी है, रुकया भी नहीं आता, तो उस तो बाद फिर मसाला पहला तैयार कर लूँगी, नाल दी नाल इन्हां 2 मिनट लगनगे फ्राई करने, ज़्यादा टाइम नहीं लगना, जिस तरह आप लम्बे लम्बे दे वो करके इनू कर दे नाल कट के तो रख दें, तो फिर बाहर बैठ के फिर लहसुन प्याज कट्टूंगी, अज मैं इधर मंजा डालिया, क्योंकि अगे मैं डर लगता से इधर मंजा डाल नहीं, कुछ लाड़ी ना जाए बिच्छू निकल के, मच्छर वगैरह भी काफ़ी होंगे सी, लो जी लहसुन प्याज हरी मिर्च तो नाल ही जेडे आप सब्जी बनाने प्याज कट ली, तो आप एक तेल आ जोड़ा गर्म रखता एक साइड छोटी वाली कड़ाही च, तो आप जोड़े पकौड़ियाँ ने उन्होंने तल लाँगे, तो असं पकौड़ियाँ कहने जी मतलब गंढे पकौड़ियाँ की सब्जी कहने हमने भी मतलब इधर तो ज़्यादा बन गए असी, तो मतलब साढ़े गुआढ़ी भी असं ये बहुत ज़्यादा बनाने, तो मैं तो चलो फिर भी काफ़ी टाइम बाद बनाई है ये सब्जी, तो गुआढ़ी तो साढ़े थोड़े दिन बाद ही बनाते हैं ये सब्जी, वधिया लगती, दुध भी पै जाता ये गुआढ़ी का दुध पा के बनाते, मैं भी दुध, पर मेरा अज मन भी मैं बिना दुध तो ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं डर हैगा दुध का मैंने पाना सी, क्योंकि दुध सुन जी मैं पहला दस जी भी चाह फट गई, फिर मैंने डर भी सब्जी ना खराब हो जाए, तो करके आप कैंसल करता, तो ये टमैटो ने जो टमैटो भी फिर मैं ऐड करते मसाले के बीज वगैरह कड के, क्योंकि पिंदर करके थोड़ा जी मैंने डर है ना उनकी पत्थरी है, तो चलो जिधर अपना तेल गर्म होंगे तो इधर कड़ाही रख ली अपने, तो ऑयल वगैरह पा के आप थोड़ा जहा जीरा पा देंगे बिच, तो बस सिंपल ही है मसाला जिहड़ा सानू पता ही है, मैं मसाला कुट के सब्जी बनाउनी हैगी, तो मसाला जिहड़ा आपां ने कुट लिया, तो नाल ही आपां फिर हुण तड़का ला देंगे, लो जी ऑयल गर्म हो चुकिया, तो आपां ने पाता बिच जीरा, जीरा जदों चटक गया फिर आपां इहदे विच मसाला छड्ड देंगे, मसाले नूं बस भुन्नांगे आपां थोड़ा टाइम,
मसाले नूं भुन के वधिया तरीके नाल, मतलब जिहड़ा मसाला जदों वधिया बन गया पूरा वधिया भुन्निया गया, फिर आपां इहदे विच ऐड कर देंगे जिहड़े आपां तलांगे पकौड़े। तो इधर आपां इहनूं ढक देंदे आ, तो उधर आपां जिहड़े पकौड़ियां ने अपनियां पकौड़ियां तल लैंदे आ। एक मतलब पूर दे विच ही सारियां एक बार च ही तलियां जाणगियां। पूर कहिंदे आ जी असीं, मतलब जदों एक पहला राउंड जिहड़े आपां पाउणे आ, मतलब कुछ भी बनाईए तो उन्हों पूर कहिंदे ने। तो चलो जी आपां सारियां पकौड़ियां ने जिहड़े पहले गेड़े उस च पूर च आपां इन्हां नूं मतलब एक बार च ही आ गईआं। तो चलो जी अपनिया ज़्यादा टाइम लगता मिनटों मिनट जिहड़ियां फ्राई हो जांदियां ने यह। तो लो जी ये अपनिया हो चुकिया ने, आपां इन्हां नूं कढ लैंदे आंगे। तो फिर आपां देखदे उधर चैक करदे अपना मसाला। तो मसाला लगभग हो ही चुकिया होगा क्योंकि फ्लेम जिहड़ा गैस का तेज़ ही हैगा। तो अज गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया से, नवा जड़िया मैं दूसरा सिलेंडर लाया गा। तो पहला हूँ उन्होंने भी भरा के रख लूँगी, फिर टाइम तो पता ही होंगे जो है ना सब गैस खत्म हो जाए तो एक घर पिया हों जड़ लेने। आप लो जी मसाला, जोड़ा मसाला भी अपना तैयार हो चुकया गा। तो आप देखो वधिया मसाला तैयार हो गया। आप जड़िया पकौड़िया ने पहला पकौड़िया के गंढे पा के पाँच क मिनट में इस तरह ही सेक लवावे। जोड़ा पानी है जिन्ना भी अपने मसाला ग्रेवी बनाने वो बाद ऐड करा पानी, क्योंकि मिक्स हो ये मसाला जोड़ा नमक मिर्च हों मिक्स हो जू प्याज के पकौड़ियाँ तो अपने पाया ही है नमक मिर्च। लो जी पाँच मिनट ने जोड़े हो चुके हैं। तो आप जिन्ना आपको मतलब गाढ़ी पतली सब्जी चाहिए उन्ना ही आपको पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि बाद भी ये जो आप ठंडी हो जाती है ना सब्जी ये उदों आप रख दें ला के मतलब ठंडी हो जाती है, तो फिर उदों भी ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है सब्जी। तो चलो जी आप पानी पा के आप ढक दें इनू, तो पाँच क मिनट सेक लवावे। उस तो बाद अपनी सब्जी बन के तैयार हो जूगी, तो नाल ही आटा गुन्न लूँगी मैं। लो जी सब्जी जी बन के तैयार हो चुकी है, मतलब इन्नी टेस्टी सब्जी है ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तुम भी जरूर ट्राई करो जी बना के देखो, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तुम एक बार बनाओगे बार बार बना सब्जी बन चुकी, आटा वगैरह गुन लिया, तो हम रोटी बनाऊंगी तो वीडियो का भी एंड करा। अच्छा सिर बन का भी टाइम नहीं मिले, सारे काम ही नहीं, सारा दिन खत्म हो गए, फिर रिश्तेदार आ गए वो चले गए, मतलब जेंट्स से दो रिश्तेदार मेरे भरा का मतलब साड़ा सी, एक होर मुंडा से तो वो इतने नेड़े पिंड किशनगढ़ अपने सहुरे घर आया हुआ सी, वापस चला गया मिल के, तो क्योंकि नहीं तो फिर रुक भी जाता ये है नहीं सी घर। तो चलो जी आप फिर वीडियो का एंड कर देना, काफ़ी लंबा हो जाओ वीडियो, वधिया लगे वीडियो लाइक चैनल में सबसक्राइब करके जायो जी। तो चलो जी आप मिलते हैं, चाहे उस जे मतलब जेडे नवे चैनल में सबसक्राइब कर लियो। तो चलो जी आप मिलते हैं नैक्सट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।